बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। हॉटस्पॉट कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। रीनेम्ड भारत, जय भारती जय भारती। इंडिया कुड सून बिकम भारत। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा गर्मा चुका है, इंडिया वर्सेस भारत। आखिर ये क्या है? क्या हमारी सोच इससे भी ज्यादा नीचे गिर चुकी है? क्या अब हम इंडिया में भारत के नाम पर लड़ेंगे? क्या इस देश को दो तरीकों से देखा जाएगा? ये लगातार बेवकूफों वाली बातें सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है? 5 सितंबर को टाइम्स नाउ ने एक पोस्ट किया कि मोदी सरकार पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाने वाली है। इसमें यह कहा गया था कि भारत सरकार अब इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने वाली है। देखते ही देखते ये खबर इस तरीके से फैल चुकी थी कि कुछ लोग इंडिया की तरफ झुक चुके थे तो कुछ लोग भारत की तरफ झुक चुके थे। कुछ गोदी मीडिया ने यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर पोल भी चला दिया कि आप सब लोग बताइए कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियन ने यह बात बोल दी थी कि इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के दी हुई गाली के समान है। भारत के संविधान की पहली लाइन इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत के संविधान के अंदर भी इंडिया शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार ही प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि आर्टिकल 52, आर्टिकल 63, आर्टिकल 23, आर्टिकल 124 बी के तहत भी किया गया है। यहाँ तक कि भारत के कुल संविधान के अंदर इंडिया शब्द का प्रयोग कुल 900 से ज्यादा बार प्रयोग किया गया है। इसके बाद भी भारत की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने भी इस नाम को काफी बखूबी से एक्सेप्ट भी किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पिनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि जिस इसरो ने हमें चांद तक पहुंचाया उसका नाम भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है। अगर आप भारत के पासपोर्ट को देखेंगे तो उसमें भी साफ साफ लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया और ऊपर भारत गणराज्य। इसीलिए संविधान लिखने वालों ने सिर्फ भारत शब्द का प्रयोग हिंदी में यूज करने के लिए ही बनाया था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हो, जैसे इंडिया, भारत, भरत, हिंदुस्तान, जो आपका मन करे उससे आप उसे बुला सकते हो, क्योंकि सबका अपना अपना होता है और सबका अपना अपना चलता है। असल में प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप किसी शब्द को लेकर कोई नफरत फैलाना शुरू करते हो। शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाने। अपने ही देश को बदनाम करने के लिए आप फर्जी खबरें फैलाना शुरू करते हो। यहाँ तक कि भारत के जितनी भी योजना है उनका सारों का नाम इंडिया से ही शुरू होता है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और खेलो इंडिया। अगर आपको इंडिया नाम यूज नहीं करना तो आप मत कीजिए, आप भारत यूज कर लीजिए या फिर हिंदुस्तान यूज कर लीजिए। हम सबके लिए भारत हो, इंडिया हो या हिंदुस्तान, ये सारे नाम ही बहुत प्यारे हैं। कोई भी नाम एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। यही कारण है कि हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और हम सारे लोग यही बात सुनते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम सब लोग गर्व से यह बात बोलते हैं कि भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। और हम सब लोग गर्व से सीना चौड़ा होकर यह बात भी बोलते हैं कि आई लव माई इंडिया। हर एक सच्चा इंसान ना ही इन नामों से कभी लड़ेगा और ना ही इन सभी नामों को बदनाम करेगा। अगर इस वीडियो की बात कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के दिल तक पहुंच पाई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि आप सभी लोगों का प्यार हमें लाइक शेयर एंड फॉलो के माध्यम से ही मिल पाता है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।